नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में आरपी आपके लिए 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आरपी एफ की परीक्षा में पूछे जाते हैं। डेली क्लास होगी, स्पेशल आरपी एफ परीक्षा 2024 के लिए 50 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे परीक्षा में। हमारा 50 में 50 का टारगेट है, इसके लिए डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है भारत में? क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान है भारत में कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर बंगलुरु? इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर होगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से। तो सी इसका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए, संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु? इस प्रकार से ऑप्शन है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिल भाषा में लिखा गया है संगम साहित्य। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, जो संगम साहित्य है मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? अगर राज्य से पूछा जाए किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु से संबंधित है और ये तमिल भाषा में लिखा गया है। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर तीन के लिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील बताइए कौन सी है? सर इसका आंसर करिएगा, सर इसका आंसर करिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बताइए कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयर झील। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील आयर झील है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आरपीएफ की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 की परीक्षा में पूछा गया था बिल्कुल इसी प्रकार से, कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर भी दिया है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी भारत में? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, ललित कला अकादमी की स्थापना भारत में कब हुई थी? जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1954 में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, मथुरा कला किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? सभी इसका आंसर करिए, जो मथुरा कला है किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? मौर्य, कुषाण, मुगल या फिर सल्तनत? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुषाण काल में मथुरा कला अपने शीर्ष पर थी। तो बी इसका राइट आंसर होगा, कुषाण काल करेक्ट आंसर होगा। अब पूछ सकते हैं परीक्षा में, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोग बताइए जल्दी से, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास से संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। यस, कुजुल कटफिसेस ने, किसने? कुजुल कटफिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी इसका आंसर करिए, बीजगणित में पूछा गया है, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, फिर से आंसर करिएगा, बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए जाना जाता है कौन? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए, बताइए इसका राइट आंसर, सनी, वेरी गुड, मुस्कान, अमित, आपके राइट आंसर है अभिषेक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भास्कर। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका।
प्रियंका कोमल, अंकित, शिवांशु, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। तो सी इसका राइट आंसर है मिस्टर, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड मॉर्निंग, यस सी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस वंश ने राज स्थापित किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर किस राज्य ने, सॉरी, किस वंश ने शासन किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। आरपीएफ के लिए डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है राजेश, सॉरी राकेश, सुबह 10 बजे डेली आरपीएफ के लिए क्लास होती है। जीके जीएस की क्लास है और 50 क्वेश्चन जीके पूछे जाएंगे परीक्षा में, एंड हमारा टारगेट 50 में 50 का है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्या पूछा गया है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सैयद वंश का। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सैयद वंश करेक्ट आंसर होगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ था, बी करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। अगर पूछा जाए परीक्षा में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है इसे भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, सभी इसका आंसर करिएगा। परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है हेक्टर मुनरो ने किया था, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, हेक्टर मुनरो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी बताइए इनमें से कौन सी है, सह्याद्री, अरावली, हिमालय या फिर सतपुड़ा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हिमालय पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, किस राज से संबंधित है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। पंखड़ा लोकगीत मुख्यतः राज्य से संबंधित है, छत्तीसगढ़, कश्मीर, ओडिशा या फिर राजस्थान, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान से। यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, पंखड़ा लोकगीत मुख्यतः राजस्थान से संबंधित है, डी करेक्ट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर नहीं होगा, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा इसका, पंखड़ा लोकगीत है राजस्थान का, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, आपको बताना है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मोपला विद्रोह हुआ था, किस राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर क्या होगा, मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केरला में। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मोपला विद्रोह केरला में हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ओडिशा की सबसे लंबी नदी बताइएगा, कृष्णा, तापी, महानदी या फिर गोदावरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महानदी। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, महानदी सबसे लंबी नदी है ओडिशा की, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अभी मैथ और इवनिंग की क्लास नहीं होती है, जीके क्लास होती है स्पेशल आरपीएफ के लिए सुबह 10 बजे, उसके बाद शाम को 3 बजे हिंदी क्लास होती है, शाम को 3 बजे और शाम को 8 बजे फिर से जीके क्लास होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महानदी ओडिशा की सबसे लंबी नदी है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा सभी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, हीराकुंड बांध है महानदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर है, सबसे लंबा डैम है ओडिशा में, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है। रीजनिंग की भी क्लास होगी,
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल में। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड, आयोडीन करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलार कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, श्री हरिकोटा कहां पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, श्री हरिकोटा कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आंध्र प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसी प्रकार से आंसर करिएगा, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है। सभी जल्दी से बताइए, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टेस्ला। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, मैं पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉन्स्टेबल के लिए 10वीं पास होना चाहिए, और जो एसआई के लिए वैकेंसी है उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, स्नातक। सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉन्स्टेबल के लिए 10वीं पास होना चाहिए, 10th मांगते हैं। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, बी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, इसका राइट आंसर क्या। सभी इसका आंसर करिएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। दोस्तों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। नंबर बदायूनी, यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, बी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, बदायूनी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, अभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए निम्न में से कौन कोयला उत्पादक नहीं है प्रमुख राज्य। चार ऑप्शन दिए गए, गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य नहीं है भारत में, डी करेक्ट आंसर होगा। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सभी हैं, आंसर होगा राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक, गुड, क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो परीक्षा में, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, सभी ध्यान से सुनिएगा, विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन चाइना में होता है। कहां पर होता है, चाइना पहले स्थान पर है विश्व में सबसे अधिक कोयले के उत्पादन में, दूसरे स्थान पर भारत है,
अगर पूछा जाए भारत का विश्व में कौन सा स्थान है उत्पादन में, तो आप लोग याद रखिएगा दूसरा स्थान है, सभी याद रखिएगा। अब देखिए क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन कहां पर होता है, इसका आंसर आप क्लास खत्म होने के बाद। अब इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इमली में कौन सा एसिड होता है, इसका राइट आंसर बताइए सभी जल्दी से। गुड, इमली में कौन सा एसिड होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टार्ट्रिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ऑन्कोलॉजी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑन्कोलॉजी करेक्ट आंसर होगा। नंबर 23 के लिए सभी जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए बताइए बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इनमें से किसका जो उद्गम है अमरकंटक से होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सोन नदी का। या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, बी करेक्ट आंसर होगा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीएफ की परीक्षा में पूछा गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। अब कहना है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट आंसर होगा 26 अक्टूबर 1962 में। यस, 26 अक्टूबर 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25, बंदरगाह कहां पर है, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए कोझिकोड बंदरगाह कहां पर है, और केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरला। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, केरल में कोझिकोड बंदरगाह है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, केरल करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, सब इसका आंसर करिएगा, किसकी आयु का पता लगाया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवाश्मों की आयु का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, यदि पृथ्वी का होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, किस पर केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या फिर भूमध्य रेखा पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूमध्य रेखा पर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती भूमध्य रेखा पर, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, भूमध्य रेखा करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, इसका राइट आंसर बताइए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बैकाल झील। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बैकाल झील कहाँ पर है, रसिया में, आप लोग याद रखिएगा, विश्व की सबसे गहरी झील है, और आप लोग याद रखिएगा पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है बैकाल झील को, पूछा जाता है क्वेश्चन। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, बताइए सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, किस देश से होता है, आपसे देश पूछा गया है, सतलज नदी का उद्गम किस देश से होता है, भारत में, चाइना में, पाकिस्तान में या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सतलज नदी का जो उद्गम है तिब्बत से होता है, कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, डी करेक्ट आंसर है इसका, तिब्बत करेक्ट आंसर होगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑप्शन में चार दिए गए हैं, ऑप्शन चार देश आपको दिए गए हैं, उसमें तिब्बत नहीं है या फिर नन ऑफ दीज नहीं है, चाइना दिया गया है, तब आप लोग उसे टिक कीजिएगा। अगर नन ऑफ दीज है, तिब्बत का ऑप्शन है, तो उसे टिक कीजिए, क्योंकि
सतलज नदी का जो उद्गम है तिब्बत से होता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बुलन लेक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलन लेक है। डी इसका राइट आंसर होगा। बुलन लेक कहाँ पर है पूछा जाता है? कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है बुलन लेक। ये भी आप लोग याद रखिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। निम्न में से किस राज्य में दैमदाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति स्थल है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इस आंसर करिएगा। दैमदाबाद क्या है? ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। आपको बताना है वर्तमान में भारत में कहां पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दैमदाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आर्मेनिया की करेंसी, सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्मेनिया की करेंसी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, द्राम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, आर्मेनिया करेंसी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के कितने राज्य समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? गुड, 7, 8, 9 या फिर 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। भारत के 9 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं समुद्र के साथ। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 के लिए बताइए, शिक्षा किस सूची का विषय है? सभी इसका आंसर करिएगा, एजुकेशन किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची या फिर संवर्ती सूची? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संवर्ती सूची। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एजुकेशन कनकरेंट लिस्ट का विषय है। जी आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। सभी इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मीर कासिम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। डी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, बताइए गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल में गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष लगता है, तो सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड मॉर्निंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थारू। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सबसे अधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, आपको बताना है मोहना लोहा नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहना लोहा नामक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आंसर है, मोहना लोहा नामक सक्रिय ज्वालामुखी यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यूएसए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आपको बताना है नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर बंगलुरु? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर पूछा जाए परीक्षा में नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है, सी इसका राइट आंसर है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, रत्निया में कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों भारत में वन अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2000 में, 2006 में, 2005 में या फिर नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006 में, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 में पारित हुआ था, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अभी इसका आंसर के लिए यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी इसका आंसर करिए, बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी, यूएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनिवर्सल सीरियल, बस नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए, बताइए शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, सभी इसका आंसर करिए, बताइए शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। शिवाजी का जो राजाभिषेक है 1674 में हुआ था, कई बार मैंने आपको बताया भी है, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी, बीस का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन बालाथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान में वर्तमान में, कहां पर है, राजस्थान में है वर्तमान में, कालीबंगन और बालाथल, तो डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए, अंतरराष्ट्रीय वेट लैंड दिवस, सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका नंबर बी 2 फरवरी को, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय वेट लैंड दिवस मनाया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा साहित्य शांति या फिर फिल्म। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सा क्षेत्र में, यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है धनवंतरी पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46, गारिया पूजा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है मुख्यतः, किस राज्य से संबंधित है, यह पूछा गया है, बाबा गारिया पूजा त्यौहार मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुख्यतः त्रिपुरा से संबंधित है, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, त्रिपुरा से संबंधित है, तो डी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए, पेंसिल में किसको प्रयुक्त किया, राइट आंसर क्या होगा। आंसर करिए, पेंसिल में किसको प्रयुक्त किया जाता है, सल्फर, फास्फोरस, ग्रेफाइट या फिर नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेफाइट को, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पेंसिल में ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है, सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क में है, तो डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उसका बजट कौन पारित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका बजट कौन पारित करता है, राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, पार्लियामेंट या फिर वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पार्लियामेंट, संसद, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तो उसका जो बजट है संसद प्रस्तुत करता है, सी करेक्ट आंसर होगा, पार्लियामेंट करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, बताइए भारत में तंबाकू का प्रचलन किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने या फिर फ्रांसीसियों ने, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुर्तगालियों ने, यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भारत में तंबाकू का जो प्रचलन है पुर्तगालियों ने किया था, बीस का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, पुर्तगाली करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए 52 के लिए, बताइए राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां के संविधान से ली गई है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जापान, साउथ
अफ्रीका, यूएसए या फिर आयरलैंड, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साउथ अफ्रीका से। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। मेघदूत बगीचा कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों मेघदूत बगीचा कहां पर है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इंदौर में। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का नगर है, इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश का नगर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, और इंदौर मध्य प्रदेश में है। मेघदूत बगीचा इंदौर में है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, इंदौर करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है निम्न में ऐसे कौन सा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में ऐसे कौन सा त्यौहार मुख्यतः मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, क्या पूछा गया है? मुख्यतः मणिपुर में कौन सा त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है? गुड, यस आरसी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। योसांग या याओसांग एक ही बात है, मुख्यतः मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लालजीत सिंह को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, लालजीत सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में जाना जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। चमोली किस राज्य में, इसका राइट आंसर बताइए। चमोली किस राज्य में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तराखंड में चमोली है, बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश की राजधानी बताइए कहां पर है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिष्ठान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आप पूछा जाता है परीक्षा में, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 15। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी, 15 थी, तो डी इसका राइट आंसर है। गुड, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत की जनता में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, डी करेक्ट आंसर होगा, भारत की जनता। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिएगा। आईपीसी का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गुड, डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, इससे ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन पीनल कोड। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली सुबह 10 बजे सेशन होता है, सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी शाम को 3 बजे, स्पेशल हिंदी की क्लास होगी, उसे भी ज्वाइन कीजिए। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।